बैटलफील्ड में यूक्रेन ने दिया है रूस को बड़ा झटका। यूक्रेन ने रूसी टैंक पर कब्जा किया है। यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने यह टैंक पकड़ा है। वीडियो आपको दिखाएंगे, देखिए रूस का यह टैंक जिसे यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने पकड़ लिया है। लगातार टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है और टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। ड्रोन के जरिए हमला हो रहा है, मिसाइल के जरिए भी हमला हो रहा है। ब्रिगेडियर संदीप थापड़ सर, लगातार चुनौतियां बड़ी क्रिएट कर रहा है यूक्रेन रूस के सामने, लेकिन एक और खबर सामने आई है कि अब रूस जो है वो नए सैनिकों को तैयार कर चुका है, ट्रेनिंग दे रहा है युद्ध के मैदान में भेजने के लिए। क्या पुतिन को अपने पुराने सैनिकों पर भरोसा नहीं रह गया है कि नए सैनिकों की फौज तैयार कर रहे हैं? और ये नए सैनिक 8.5 महीने के लंबे युद्ध के बाद क्या यूक्रेन पर कब्जा कर पाएंगे, पुतिन को जीत दिला पाएंगे, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? देखिए, जब पुतिन ने अटैक किया था तकरीबन साल पहले, तो उसने सोचा था कि ये रन ओवर होगा और यूक्रेन में इतनी ताकत नहीं है कि वो रशियन फोर्सेस को स्टॉल कर सकेगी। लेकिन जैसे यूक्रेन लड़ा और जैसे उन्होंने डिफेंस किया, तो जो इनिशियल फोर्सेस थी रशिया की सारी तकरीबन डिप्लॉय हो गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद अभी उसको इस स्टेज पे आ गया है कि उसको अपने रिजर्विस्ट निकालने पड़े, 3 लाख रिजर्व। आज मैं खबर देख रहा था कि वो कैदियों को भी लाने के लिए निकाल रहा है जेलों से। तो ये दिस इज अ मूव ऑफ डेस्परेशन कि उसके पास अब पूरा बैरल खाली हो गया है। उस स्क्रेपिंग द बैरल जिसे कहते हैं वो कर रहा है कि जितने ज़्यादा ट्रुप्स को निकाल सके, क्योंकि जो इलाका बहुत बड़ा है कैप्चर करने का, अगर उसको यूक्रेन को घुटनों पे लाना है तो उसको बहुत बड़ा इलाका कैप्चर करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ नीपर रिवर के ईस्ट में तकरीबन सारा एरिया उसको कैप्चर करके तब जाके वो यूक्रेन को फोर्स कर सके, लेकिन उसके लिए उसके पास संसाधन नहीं है उसके पास, वो फोर्स नहीं है जिसके बल पे वो बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सके। बहुत बड़ी बात कही।